यार किसी ने ऐसे ही मतलब आगे पढ़ा दिया है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमर सीरीज टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। अब देखो लॉन्गेस्ट की बात कर रहा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यही बताया ना मैं, इसको जो मैं आपको बताया पिछली बार वही बार बार पूछा जाएगा, उसको कई तरीके से पूछा जाएगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है लाइमन सीरीज में? तो लाइमन सीरीज कब बनता है भाई? तो लाइमन सीरीज जो है तब बनता है जब N1 की वैल्यू 1 होती है और N2 की वैल्यू 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट है। हर एक ट्रांजिशन के लिए एक वेवलेंथ जनरेट होता है। तो ये कहता है कि रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज टू लॉन्गेस्ट इन बामर सीरीज। सबसे पहले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब जनरेट होगा? देखो एक बार यहाँ बना लो समझने के लिए, मैं तुम्हें समझाने के लिए, तुम शॉर्टकट समझना जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो N=1, N=2, N=3, N=4, N=5। तो N=, अगर देखो लाइमन सीरीज तब बनता है, लाइमन सीरीज जब बनता है जब यह इस वाले N=1 ग्राउंड स्टेट में जंपिंग होती है, और कहाँ से जंपिंग होती है? हाई एनर्ग, ये लाइमन सीरीज है। बामर कब बनता है? तो बामर तब बनता है जब ये यहाँ पर जंपिंग होगी। तो कहाँ से जंपिंग होगी भाई? हायर ऑर्बिट से जंपिंग होगी ये। अब देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो ये जो इस इनमें जो फोटॉन्स निकलते हैं उनकी जो वेवलेंथ, जो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपन लैम्डा, हम लोग पढ़ चुके हैं। इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट में जो एनर्जी का डिफरेंस है जहाँ से जंपिंग हुई है, दैट इज मस्ट इक्वल टू एच सी अपन लैम्डा। अब लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, तो लैम्डा मैक्सिमम तब होगा जब एनर्जी मिनिमम होगी। यार एनर्जी मिनिमम होगी, तो एनर्जी मिनिमम कब होती है यार? ठीक है, एनर्जी मिनिमम कब होती है? कंजिग्यूटिव डिफरेंस। तो हम सबको पता है कि कंजिग्यूटिव लगातार जो एनर्जी सेल्स का जो डिफरेंस है वो घटता चला जाता है। तो लैम्डा मैक्सिमम तभी होगा जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगी, और एनर्जी डिफरेंस मिनिमम तब होगी जब, हाँ एनर्जी डिफरेंस डेल्टा मिनिमम तब होगी जब कहाँ से कहाँ जंपिंग होगा? N1=1 है और N2=2 से जंपिंग होगी। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा। तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, नहीं समझ में आया? देखो अगर यहाँ से जाओगे तो एनर्जी लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो जो दो का डिफरेंस है, अगर एक फिक्स कर देते हो और फिर अगर अलग अलग ऑर्बिट का डिफरेंस लेते हो, तो वो डिफरेंस बढ़ता चला जाता है यार। तो ये जो डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस, वो मिनिमम होती है, और यहाँ से लेके इन्फिनिटी का डिफरेंस एनर्जी वो मैक्सिमम होती है। तो एनर्जी मिनिमम तब होगी, और ऐसा ट्रांजिशन हुआ होगा उस वक्त एनर्जी बच्चों मिनिमम निकली होगी और लैम्डा मैक्सिमम निकला होगा, तो उस लैम्डा को पता करो। तो 1/लैम्डा, पहले केस में जो लैम्डा मैक्स है वो आ जाएगा रिकबर्ग कांस्टेंट, और 1/N1² मतलब 1² - 1/2² ठीक है, दैट इज 4, तो ये आ जाएगा, और 4 दैट इज 3R/4 दैट इज 1/λ1 पहले केस में लाइमन सीरीज में। ठीक है, चलो बाद में हम इसको कर लेंगे कैलकुलेट जो भी करना होगा। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जनरेट करो बामर सीरीज में। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमर सीरीज टू लॉन्ग बामर सीरीज, बामर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब जनरेट होगा? फिर वही कहानी, देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगी, और एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगी जब N=2 में जंपिंग होगा N=3 से। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब N=2 तो बामर में फिक्स है यार, और N=2 ये 3 से जंपिंग होगी बामर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/λ2 सेकेंड केस में इजिक्वल टू रिकबर्ग कॉन्स्टेंट 1/2² - 1/3² जहाँ पे जंपिंग हुई है, तो रिकबर्ग कॉन्स्टेंट 1/4 - 1/9 दैट इज 4 और 9, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो तो दैट इज 5R/36 1/λ2। तो यहाँ से λ2 की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, वो 36/5R आ जाएगी ये। अब इनकी हमें रेशियो लेनी है,
देखो रेशियो किसकी किसकी लेनी है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट में लाइमन टू बामर, तो लाइमन का इधर हम लोग निकाल लिए थे और बामर का हम लोग इधर निकाल लिए, तो इनका रेशियो ले लो। तो लैम्डा वन अपन लैम्डा टू, तो लैम्डा वन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4/3 r, और लैम्डा टू की वैल्यू है 36/5 r। तो r ने r को ख़त्म कर दिया और ये 9 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा, तो 5/27, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो 5/27 दैट इज हम लोगों का बी ऑप्शन सही है। तो आई होप कि बहुत बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि लैम्डा मैक्सिमम कब जनरेट होगा, जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम। अगर यही में पूछ देता कि लैम्डा मिनिमम अगले साल आ जाएगा 2023 में, लैम्डा मिनिमम निकालो, तो लैम्डा अगर मिनिमम कब निकालोगे, जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा, एन1 से इन्फिनिटी से जंपिंग यहाँ होगी, ठीक है।